हेलो नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे धूप बत्ती बनाने के बिज़नेस के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रोज़ाना हर घर में सुबह शाम धूप बत्ती का उपयोग होता है। ऑफिस में, दफ्तर में, मंदिरों में, हर जगह इसका उपयोग होता है। इसलिए मार्केट में इसकी अच्छी डिमांड है और इसकी सेल भी अच्छी हो जाती है। तो इसलिए हम जानेंगे आज कम लागत में आप किस तरह धूप बत्ती बनाने का बिज़नेस शुरू करके महीने की बहुत अच्छी कमाई इससे कर सकते हैं। अब सबसे पहले इस बिज़नेस में अगर हम बात करें तो हम जगह की बात करते हैं कि आपको अगर मार्केट में स्पेस लेना पड़ेगा या घर से आप, तो हम बता दें आपको इसमें छोटी सी मशीन आपको लगेगी। इसलिए आप घर में एक कमरे में इसे आराम से शुरू कर सकते हैं और तैयार माल को आप मार्केट में सप्लाई कर सकते हो। और रही बात ट्रेनिंग की, तो आप चाहे तो इसमें ज़्यादा कुछ वैसे सीखने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। लेकिन सरकार द्वारा इसमें, खादी ग्राम उद्योग द्वारा इसमें समय समय पर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। अगर आप चाहें तो उन ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेकर आप फ्री में सरकार से ट्रेनिंग ले सकते हैं। बाकी आप किसी प्राइवेट संस्था से भी इसके लिए छोटी सी ट्रेनिंग ले सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है मशीनों की, तो आपको ये स्क्रीन पर जो मशीन दिख रही हैं, ये मशीन से आप एक दिन में 2-3 हज़ार रुपये तक की धूप बत्ती आराम से बना सकते हो। और इस मशीन का प्राइस है 1-1.5 लाख रुपए की ये मशीन है। और मशीन लेने का एड्रेस आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से मशीन मंगवा सकती हैं, वो अच्छे प्राइस पर आपको बेस्ट मशीन उपलब्ध करवा देंगे। दोस्तों मशीन लेने के बाद बात आती है कच्चा माल की, तो इस धूप बत्ती बनाने में आपको ज़्यादातर कोई चीज़ें नहीं लगती हैं, 2-3 तरह की चीज़ों की आपकी ज़रूरत पड़ती हैं, जो आपको ये मशीन जहाँ से आप खरीदेंगे वो भी आपको उपलब्ध करा देंगे। आप चाहें तो ऑनलाइन इंडिया मार्ट से भी ले सकते हैं या अपने पास के बाज़ार से आप धूप बत्ती बनाने के लिए कच्चा माल ले सकते हैं, जिसमें प्रमुख होता है धूप की लकड़ी का बुरादा, नागर मोथा। और खुशबू के लिए आपको परफ्यूम चाहिए होगा और इसमें आपको थोड़ा सा मिक्स करने के लिए कोयले की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह 3-4 चीज़ों से आप घर पर आसानी से धूप बत्ती बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम वर्कर की बात करें तो इसमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, 2 लोग इस मशीन को आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो 1-2 लोग यहाँ पर पैकिंग के लिए भी रख सकते हैं कि वो हाथों हाथ धूप बत्ती को पैकिंग कर सकते हैं। तो टोटल हम खर्च की बात करें तो हम एक अनुमानित खर्च आपको बता देते हैं कि रॉ मटेरियल और पैकिंग को मिलाकर आपको 90 से 110 रुपये के बीच में आपको 1 किलो धूप बत्ती बनाने के पीछे आपका खर्चा आएगा। और मार्केट में आप 1 किलो धूप बत्ती को 200 से 250 रुपये की आराम से बेच सकते हैं। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि तैयार माल को हम कैसे और कहां पर बेचें। तो दोस्तों धूप बत्ती को आप अपने पास के मोहल्लों में, कॉलोनियों में जाकर घर घर भी आप एक एजेंट के माध्यम से बेच सकते हैं, या फिर अपने पास के किराना स्टोर पर, सुपरमार्केट में पूजा की सामग्री जिस दुकानों पर मिलती है उन दुकानों पर कॉन्टैक्ट करके आप जाकर उन्हें थोक के रेट में अपनी धूप बत्ती सेल कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट में हम बात करते हैं कमाई की, कि इस बिज़नेस से आप कितनी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वो पूरी तरह आपके पास के मार्केट पर डिपेंड करता है कि आप कितनी खपत और कितनी सेल आप कर सकते हो। सेल के हिसाब से आपको यहाँ पर 40 से 45% आपको मार्जिन मिल जाता है। तो आप जितने किलो दिन में बेच सकते हो उतनी ही ज़्यादा कमाई आप इससे कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल है तो आप नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं।